हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम लोग जीएसटी के अमेंडमेंट का पार्ट टू करेंगे। एज यू नो, नवंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए और सीएस के दिसंबर एग्ज़ाम के लिए इंस्टीट्यूट ने रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स किए हैं जीएसटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो बच्चों, पार्ट नंबर जो वन है ना, हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम का था, तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अमेंडमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं और पार्ट टू आज हम करके चलेंगे। तो अगर किसी ने भी पार्ट वन की नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ICSOnlineEducation.in को, वहाँ से आप लोग देखकर चल सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट टू में करेंगे। जो लोग ऑलरेडी, जिनके पास पुरानी नोटिंग है मॉड्यूल की, वो उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे वो मैं तरीका आज आपको बताता हूँ। मैं भी लिखते समय चैप्टर का नाम लिखूंगा और साथ में ये लिखूंगा कि ये चेंजेस इन एग्जिस्टिंग रूल है या फिर न्यू अमेंडमेंट्स है। तो न्यू तो आप सीधे के सीधे लिख लोगे, जहाँ पे नोटिंग खत्म हुई उसके आगे न्यू अमेंडमेंट्स लिख लोगे, और एग्जिस्टिंग को भी आप उसके बाद लिख लोगे। लेकिन ये ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग रूल के अंदर जो चेंज है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा अपडेटेड रूल के साथ, ठीक है? तो जो आपकी जीएसटी की नोटिंग है उसके एंड में आप लोग, जहाँ पे जैसे जो चैप्टर की नोटिंग खत्म हो रही है उसके बाद आपके पास पेज अवेलेबल होगा, उस पेज पे आप इन अमेंडमेंट्स को क्या करिएगा, लिख के चलेगा, ठीक है बच्चों? तो आज हम पार्ट टू करने जा रहे हैं और पार्ट वन हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑलरेडी डन हो चुका है। उसको आप नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप देख कर चलिए, ठीक है? तो बच्चों, जो आज की हमारी अमेंडमेंट है वो टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड ई वे बिल की आ रही है बच्चों। तो हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड ई वे बिल, उससे रिलेटेड हमारे पास अमेंडमेंट्स आ रही हैं बच्चों, ठीक है? तो बच्चों, पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो पहला चेंज है, जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, चेंज नंबर वन चैप्टर में, तो बच्चों वन और मोर क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट नोट्स कैन बी इश्यूड फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस। तो क्रेडिट और वन और मोर क्रेडिट और डेबिट नोट कैन बी इश्यू फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस। बच्चों, ये रूल में जो चेंज आया ना, ये अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट मतलब जो पुराना रूल था उसको कुछ चेंज कर दिया है, और जो मैं लिखूंगा बिल्कुल न्यू रूल है, तो बिल्कुल नया रूल है, ये पुराने रूल में चेंज हुआ है। अमेंडमेंट अब क्या आई है हमारे पास, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन टू इशू वन और मोर क्रेडिट नोट्स और वन और मोर क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स, वन और मोर डेबिट नोट्स, दोनों के लिए कॉमन वर्ड है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेस इश्यूड इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट लिंकिंग द सेम टू इंडिविजुअल इनवॉइसेस। इंडिविजुअल इनवॉइसेस बच्चों, हमारे पास पहले क्या था, हमें अगर डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करना है, मान लो ज्यादा है, कम टैक्स आया है एक्सेट्रा, तो हमें हर बिल का अलग अलग लिंक करके इशू करना पड़ता था। लेकिन अब लॉ ने अमेंडमेंट कर दी है, आपकी नॉलेज के लिए सेक्शन नंबर 34(1) और सेक्शन नंबर 34(3) के अंदर ये आपका डेबिट नोट को लेके बोलता है, ये क्रेडिट नोट को लेके बोलता है।
अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक या उससे ज्यादा डेबिट नोट इशू कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेस। तो एक डेबिट नोट इशू कर सकते हैं मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए विदाउट लिंकिंग द सेम टू इंडिविजुअल इनवॉइसेस। तो ये बड़ा अच्छा कर दिया है। पहले क्या था, अलग अलग बिल को लिंक करना पड़ता था डेबिट क्रेडिट नोट से, और अब एक से ज्यादा डेबिट नोट आप मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए इशू कर सकते हैं और लिंकिंग करने की जरूरत आपको नहीं है। इससे जो अनड्यू हार्डशिप हो रही थी डीलर्स को, वो अब क्या हो गई है, दूर होकर चली है। तो समझ आया बच्चों, पहला अमेंडमेंट जो चेंज हुआ है एग्जिस्टिंग रूल डेबिट और क्रेडिट नोट को लेकर। चलिए फिर आगे चलते हैं, नंबर टू पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास बच्चों, हमारे पास आ रहा है सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर पब्लिक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिक्वायर्ड ऑन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ऑन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो बच्चों हुआ क्या है हमारे पास, बच्चों ये भी एक तरह की अमेंडमेंट है, चेंज है। पहले क्या था हमारे पास, जो भी सप्लायर हमें कुछ डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कुछ डॉक्यूमेंट उसके लिस्ट आ रही है, तो उसके ऊपर उसके साइन होने जरूरी थे, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू हो रहे हैं तो डिजिटली साइन होने जरूरी थे। तो अब लॉ ने क्या किया है, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिक्वायर्ड ऑन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, मतलब इनके बिना ऊपर साइन नहीं होंगे तब भी वो वैलिड माने जाएंगे। अभी लिस्ट बना दी है मिनिस्ट्री ने, ओएमआर में आपको आकर चल सकता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशूड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो बच्चों अगर आप जैसे आप ऑनलाइन कोई माल बेचते खरीदते हैं तो जहां पे टैक्स नहीं लगता वहां बिल ऑफ सप्लाई, जहां टैक्स लगता है टैक्स इनवॉइस, या कंसोलिडेट जो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कंसोलिडेट इशू कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, तो रेलवे की टिकट आप जो ये टिकटें लेते हैं इसके ऊपर डिजिटली साइन होना जरूरी था पहले, क्योंकि बिल के ऊपर जीएसटी लग रहा है, बिल ऑफ सप्लाई है। तो उस केस में अब लॉ ने इनको एक तरह से बोल दिया है इस पर डिजिटल सिग्नेचर होने की जरूरत नहीं है। इससे प्रॉब्लम्स आ रही थी बिजनेसमैन को भी, उसको डिजिटली साइन करना पड़ता था, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था इशू करने में। अब ये चीज़ों पे इलेक्ट्रॉनिकली आपको कोई साइन या डिजिटल सिग्नेचर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के नहीं चाहिए। समझ आया बच्चों पॉइंट सभी को। चलिए अब थर्ड पॉइंट हमारे पास न्यू कंटेंट्स प्रिस्क्राइब फॉर डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। तो हमारे पास क्या नए कंटेंट है डेबिट और क्रेडिट नोट्स के लिए, तो बच्चों न्यू सब रूल के अंदर न्यू कंटेंट्स आए आपके पास डेबिट और क्रेडिट नोट्स के लिए। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट नोट्स के लिए न्यू हमारे पास कंटेंट्स आकर चले हैं। तो जो न्यू कंटेंट्स प्रिस्क्राइब हुए हैं डेबिट और क्रेडिट नोट्स के हमारे पास, यहाँ पे
तो प्रायर टू अमेंडमेंट हमारे पास अलग रूल थे, अब नए कंटेंट्स आ गए डेबिट और क्रेडिट नोट्स के, तो ये भी एक तरह की चेंजेस हैं, अमेंडमेंट है। तो बोलता है डेबिट क्रेडिट नोट पे नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, तो ये होना चाहिए। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, वो डेबिट नोट है कि क्रेडिट नोट है, वो होना चाहिए। सीरियल नंबर कंसेक्यूटिव, सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 करेक्टर्स, डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस, GSTIN और UIN ऑफ रिसिपियंट, नेम एंड एड्रेस एंड डिलीवरी एड्रेस अलोंग विद स्टेट नेम एंड इट्स कोड। तो डिलीवरी का एड्रेस क्या है, उसका कोड क्या है। सीरियल नंबर एंड डेट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस, तो बच्चों जो आपने बिल काटा था जिसके अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट नोट है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कॉमा रेट एन अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिटेड और डेबिटेड और सिग्नेचर और पार्टी के सिग्नेचर, क्योंकि बच्चों फिजिकल इशू कर रहे हैं, ई फॉर्म में तो इशू कर नहीं रहे, वैसे भी ई फॉर्म के अंदर इसको आता नहीं है हमारे पास। लिखिए एक बार फास्टली, तो बच्चों इसमें एक दो पॉइंट बढ़ गए हैं, बाकी तो डेबिट क्रेडिट नोट में पहले भी आते थे, इसमें डिलीवरी की डेट आ गई क्योंकि सामान वापसी जाएगा डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू, सीरियल नंबर, टैक्स इनवॉइस की डिटेल, आपकी टैक्सेबल सप्लाई और आपके सिग्नेचर भी होकर चले। तो एक बार आप देखें नेम, डॉक्यूमेंट का नेचर, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, GSTN नंबर बायर का और कहाँ पे सामान जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइस नंबर, देन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड देन सिग्नेचर, ठीक है। फिर आपके पास और चेंजेस, चेंजेस इन रिवाइज टैक्स इनवॉइस कंटेंट्स, तो चेंजेस क्या है रिवाइज टैक्स इनवॉइस के कंटेंट्स में, इसमें आपको नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रेट एंड अमाउंट क्रेडिटेड और डेबिटेड टू रिसिपिएंट इज नो लॉन्गर to be mentioned on revised tax invoice, तो ये भी एक तरह के changes हैं।
बच्चों ये तो हमारे पास एक तरह से रूल 53(1) के अंदर है, जहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट ये डिटेल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है रिवाइज टैक्स इनवॉइस के केस के अंदर। और जो पिछले वाला था एक बार जो ये डेबिट ट्रेड नोट्स के लिए नया रूल आया है 53(1) है, ठीक है, इसका नया रूल आया 53(1) है, और पहले वो इकट्ठे रूल में थे, अब इनको अलग अलग कर दिया मिनिस्ट्री ने, ठीक है बच्चों। सो टैक्स इनवॉइस के चैप्टर की अमेंडमेंट हमारी डन है। तो ये तीनों चेंजेस ही हैं, तो आप इसको पीछे लिख लो और जहाँ पे ये टॉपिक है उसके आगे लिख लेना रेफर अमेंडमेंट ऑन बैक पेजेस, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट आपको अमेंडमेंट से आपको पता लग के चलेगा। चले फिर बच्चों नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अमेंडमेंट पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में बच्चों, पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में ना हमारे पास आपकी नॉलेज के लिए जो एक नया मेथड आया है, नया मेथड आया है ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये जो नया मेथड है ये मैं आपको आईटीसी में कवर करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में, पर मैं अभी ड्राफ्ट कर देता हूँ रफली, पर वैसे इसकी कवरेज मैं आईटीसी में करूंगा क्योंकि आईटीसी में डिटेल बात है ये, ठीक है। तो इन्होंने अब बोला कि हमारे पास जो आउटपुट टैक्स होता है आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, ठीक है बच्चों, पहले भी हम ऐसे लिखते थे, इसमें से हमें जो इनपुट टैक्स है पहले लेना आईजीएसटी का लेना है, आईजीएसटी का पहले यहां से लेना है और फिर यहां से लेना है, ये एज पर देयर ऑर्डर, जैसे उनको ठीक लगे, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, प्रोपोर्शनेटली कम ज्यादा, मतलब क्या हुआ, पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आपको पहले आईजीएसटी से लेना है और फिर आपको आईजीएसटी सीजीएसटी एसजी, मतलब पहले आप आईजीएसटी पूरा एडजस्ट करना है, फर्स्टली यू नीड टू एडजस्ट आईजीएसटी फुली, तो आपको आईजीएसटी फुली एडजस्ट करके चलना, तो पहले आप आईजीएसटी से आईजीएसटी पूरा एडजस्ट करोगे आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी, इसमें मतलब इनमें कोई ऐसा नहीं है, पूरा यहां कर लो चाहे यहां कर लो, 50-50 कर लो, 40-60 कर लो, जैसे ठीक लगे, फिर उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट, और उसके बाद यहां से सीजीएसटी का क्रेडिट और यहां से एसजीएसटी का क्रेडिट। तो मतलब पहले क्या था, एसजीएसटी से पहले हम एसजीएसटी लेते थे, सीजीएसटी से सीजीएसटी लेते, अब ऐसा नहीं है, पहले आईजीएसटी और फिर इनका क्रेडिट बचा, इनका क्रेडिट बचेगा, ठीक है, तो फिर आपने बाद में लेना है और फिर इसके बाद भी बचेगा तो यहां से लेकर चलना है, ये आपके पास नेट टैक्स आ जाएगा। और सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, वो तो हो ही नहीं सकते बच्चों, तो नए रूल में पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी और फिर सीजीएसटी से आईजीएसटी फिर एसजीएसटी से आईजीएसटी, तो पहले आपको पूरा आईजीएसटी यूटिलाइज करना है, फिर उसके बाद यहां से सीजीएसटी एसजीएसटी, ये क्रेडिट पहले सीजीएसटी का, सीजीएसटी से आईजीएसटी, एसजीएसटी से आईजीएसटी, फिर इससे इनका लेना है, उसके बाद बचेगा तो फिर इसका क्रेडिट यहां पे लेकर चलना है। इनपुट टैक्स में हम करेंगे डिटेल में, ठीक है, तो आपको इसका पूरा मैकेनिज्म इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिलकर चलेगा। उसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई चेंज नहीं है, ये चेंज तो आपको आईटीसी में ऑटोमेटिकली बच्चों आप लोगों का जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर आपके पास बच्चों हमारे पास रिटर्न्स अंडर जीएसटी में क्या चेंजेस हैं वो हम समझते हैं, रिटर्न्स अंडर जीएसटी में क्या चेंजेस हैं वो हम समझते हैं। इसमें चेंजेस जो है आपके हैं वो मैं आपको यहीं से समझाता हूं बच्चों, जो इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है मटेरियल आप इसी से ही नोटिंग करना, मैं आपको यहीं से समझा रहा हूं। सबसे पहला चेंज है अमेंडमेंट बाय सीजीएसटी एक्ट, जो कि 1-2 से है, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं एनेबल टू परफॉर्म अदर फंक्शन एज वेल, तो ये बाकी फंक्शन भी परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, मतलब जीएसटी जो प्रैक्टिशनर है वो अदर फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो लॉ मेकर ने क्या कहा कि जीएसटी वाले जो जीएसटी थे प्रैक्टिशनर है जीएसटीपी, वो पहले एक लिमिटेड काम कर सकते थे, अब लॉ ने इनको अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करने के दिए, उसकी मैनर अभी प्रिस्क्राइब नहीं करी, तो इतना सा पॉइंट एड ऑन हुआ है जीएसटीपी के अंदर, तो ये एक न्यू पॉइंट एड ऑन हो गया है जीएसटी के अंदर, जीएसटीपी के अंदर, कि ये फंक्शंस भी परफॉर्म करके आप लोग चलोगे, ठीक है। सेकेंड अमेंडमेंट बच्चों,
significant notifications, circular orders, books of accounts of central, state government, local authority which are subject to audit by CAG or auditor appointed for conducting accounts of local authorities are not subject to audit by chartered accountant. आपको पता है कि जीएसटी में 2 करोड़ से ऊपर की अगर टर्नओवर हो तो सीएसीएमए ऑडिट करके चलता है. तो सीएसीएमए का ऑडिट है, ठीक है बच्चों, और जीएसटी के अंदर. तो अब होता क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो ये एक आपके पास पॉइंट आया है. पहले ये रूल था कि आपके टर्नओवर का 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको सीएसीएमए से ऑडिट कराना है और उसके साथ आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लगानी है. अब इस रूल में अमेंडमेंट आ गई है, ये अमेंड हो गया रूल. Said sub rule has been amended to exempt department of central, state government, local authority whose books are subject to audit by CAG or auditor appointed for auditing accounts of local body under any law for timing in force from the requirement of getting accounts, auditing and furnishing copy of accounts duly certified along with annual return. ठीक है, तो बच्चो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि रूल को exempt कर दिया. अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या लोकल बॉडी या किसी डिपार्टमेंट का सीएजी ऑडिट कर रहा है, किसी लॉ के अंडर ऑडिट हो रहा है, तो उनको उनको आपकी नॉलेज के लिए उनको अलग से सीए से कोई ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिपोर्ट अलग से सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑडिट किसी लॉ में हो रहा है जीएसटी का, उनका ऑडिट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कर रहा है या सीएजी करके चल रहा है. तो इस बात का आप ध्यान रख के चलना, ठीक है. तो पहला, जीएसटी भी अदर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, और सेकंड, आपके पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं अगर ऑलरेडी ऑडिट हो रखा हो, ठीक है, उनका, तो उस केस में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना, आपके पास सीएमए का जो है, उनकी ऑडिटिंग कॉपी की लेने की लगाने की कोई जरूरत नहीं है. एग्जम्पशन दे दी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से, तो ये आप चेंज करना इस पॉइंट में. फिर आ रहा है हमारे पास टाइम पीरियड अवेलेबल टू सेल टैक्स प्रैक्टिशनर टैक्स टीआरपी एनरोल्ड एज जीएसटीपी टू पास एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनएससीएन इंक्रीज. ये ओएमआर में आ जाएगा. बच्चों हमारे पास जो जीएसटीपी होता है ना, प्रैक्टिशनर होता है, वो क्या करता है, वो आपके नॉलेज के लिए 18 महीने फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट तक, मतलब एक बार जीएसटीपी बन सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, फिर उसको नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम पास करना होता है 18 महीने के अंदर. तो इनके लिए, मतलब जो लोग सेल टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, ऑलरेडी सेल टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जीएसटीपी बन सकते हैं और उनको फिर 18 महीने तक बन सकते हैं, उसके बाद एग्जाम देना होता है कोई. तो ये एक न्यू पॉइंट है, आप लोग अपनी उसमें ऐड करेंगे जीएसटीपी के अंदर न्यू पॉइंट, ठीक है, ऐड ऑन कर लेंगे. इसमें ये कि वो पीरियड अब कितना हो गया, 30 महीने हो गए, तो 18 महीने से लेके अब 30 महीने हो गए इनका पीरियड, मतलब इतने टाइम तक कर सकते हैं, उसके बाद उनको एग्जामिनेशन देने की जरूरत पड़ेगी जो ये अथॉरिटी कंडक्ट करके चलती है, ठीक है. फिर स्कोप ऑफ एक्टिविटीज डेट कैन बी अंडरटेकन बाय जीएसटीपी, जीएसटीपी की एक्टिविटीज जो है ना, वो इन्होंने थोड़ी सी अमेंड कर दी है. तो ये न्यू पॉइंट आ गए हैं कि वो क्या करेगा. हमने कहा था जीएसटीपी अदर फंक्शन भी कर सकता है, तो उसमें क्या था, पहले वाले फंक्शन में रिटर्न भरना, टैक्स जमा कराना, रजिस्ट्रेशन, इसमें अदर फंक्शन भी कर सकता है. वो ई वे बिल की डिटेल फर्निश कर सकता है, चलान की डिटेल फर्निश कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है, जीएसटी के नंबर में. तो बच्चों पहले ये चीज नहीं थी, ई वे बिल की बात नहीं थी, चलान की डिटेल फर्निश करने की बात नहीं थी, ये न्यू पॉइंट्स एड ऑन हो गए हैं जीएसटीपी के फंक्शन में, जो लॉ मेकर ने अभी कहा था कि वो प्रिस्क्राइब काम करके चल सकते हैं, ठीक है, और वो इंटीमेशन फाइल कर सकते हैं कंपोजिट स्कीम की. तो बच्चों ये रिटर्न वाली सिंपल अमेंडमेंट थी, अभी हम इसमें इतना ही कर रहे हैं, और अभी हम नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे थर्ड सेशन में, तो हम बाकी टॉपिक्स को भी कवर करके चलेंगे. तो रिटर्न में हमने जीएसटीपी अदर फंक्शन, अदर फंक्शन में हमने चलान, ई वे बिल की बात देखी, और जिनका सीएजी ऑडिट कर रहा है, अदर लॉ में ऑडिट हो रहा है, उनको ऑडिट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है आपके नॉलेज के लिए. और जो पहले आपको पेपर देना होता था सेल टैक्स प्रैक्टिशनर्स को 18 महीने के बाद अंदर देना होता था, जब उनको मिलती थी, तो उसके बाद पेपर देना होता था, अब वो 30 महीने का समय कर दिया. तो अभी रिटर्न पूरा नहीं हुआ, कुछ पार्ट हमारा पेंडिंग है, वो सेशन थर्ड में हम लोग कवर करके चलेंगे.